महाराष्ट्र के न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर एक युवती को विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाने के बाद 17 दिनों तक नहीं हुई है उन लोगों की गिरफ्तारी। युवती ने तोड़ा है कल दम। मरने से पहले युवती ने दिया था अपना जवाब, जिसमें उसने लिए थे युवकों के नाम। फिर भी क्या चुनाव की गड़बड़ी में नहीं मिल पाएगा एक युवती को इंसाफ? देखिए महाराष्ट्र आवाज की एक रिपोर्ट। सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी पे भोजन की आग लगा दिया। क्या घटना हुई थी, क्या नाम हुआ, आप कौन है, इनके इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सैमुना खातून है, गुलनाज खातून मेरी लड़की है। गुलनाज खातून को सतीश कुमार राय कुछ छेड़खानी किया था और छेड़खानी के विरोध में हमारे लड़की को धमकाया कि तुमको जान मार देगी। तो बोला कि वो जान मारेगा, तुम हमारे साथ चलो। तो बोली बोला कि तुमको हम मर्डर कर देंगे। मेरी लड़की बोली कि ठीक है तुम मर्डर कर देना। उसके बाद जुमरात को ये बात बोला। आज जुमा के दिन 5:30 बजे शाम में रबी अव्वल थी। आज जुमा का दिन 30 तारीख था। उसने जाके मिट्टी तेल छीट करके आग लगाया। कौन कौन तेल छीट के आग लगाया? सतीश कुमार राय, उसका पिता विनय राय। और कौन लड़का? चंदन कुमार राय, उसके पिता का नाम विजय राय। कौन जगह का रहने वाला? रसलपुर हबीब का। थाना देसरी जिला। ओपी देसरी जिला वैशाली। क्या उसका जला दिया है ना? जला दिया। जब जल रही है तो सब लोग जुट करके उसको भुताया गया। तो फिर लड़की बयान दी, लड़की का वीडियो हुआ तो लड़की अपने मुंह से खुद बोली, विनय राय का लड़का जलाया सतीश कुमार। कौन जलाया? तो सतीश कुमार। वह पूरा उसका वीडियो। आज वह डेथ कर गए, इंतकाल कर गए। हाँ आज डेथ कर गए, आज 17 दिन पर डेथ कर गए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।